जिला सोलन में वाहनों में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले ही कल सोलन के बड़ोक में वाहन जलकर राख हो गया। इसी तरह कुछ दिन पहले नालागढ़ के पास वाहन में आग लग गई थी। सोलन के देवघाट में इसी तरह की घटना घट चुकी है। इन सभी वाहनों में सुखद बात ये थी कि इसमें किसी की भी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वाहन बिल्कुल जलकर राख हो गए हैं। जिला सोलन में वाहनों में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले कल ही सोलन के बड़ोक में वाहन जलकर राख हो गया। इसी तरह से कुछ दिन पहले नालागढ़ के पास वाहन में आग लग गई थी। सोलन के देवघाट में भी इसी तरह की घटना घट चुकी है। इन सभी वाहनों में सुखद बात ये थी कि इसमें किसी की भी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वाहन बिल्कुल जल गए थे, जिसकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान वाहन मालिकों को झेलना पड़ा था। वाहनों में आग क्यों लगती है, इसको लेकर लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ लोग आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताते हैं, तो कुछ चढ़ाई चढ़ने से वाहन गर्म होने के कारण बताते हैं। क्या वाहनों में लगी आग को नियंत्रित किया जा सकता है, इसके बारे में दमकल विभाग ने शहरवासियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि वाहनों को आग लगने से बचाया जा सके। अधिक जानकारी देते हुए लीडिंग फायरमैन राजेंद्र सिंह ने बताया कि ज्यादातर वाहनों में शॉर्ट सर्किट से आग लगती है। कई बार फ्यूल टैंक के लीक होने और वाहन जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाने के कारण भी आग लग जाती है। इन सभी कारणों के प्रति चालकों को सजग रहना चाहिए, अपने वाहन की समय-समय पर मुरम्मत करवानी चाहिए। अगर कभी लंबी दूरी का सफर करना हो तो गाड़ी की अच्छी तरह जांच करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वाहनों में अग्निशामक यंत्र होना बेहद जरूरी है, साथ ही अगर वाहन में आग लग जाती है तो उस समय बौद्धिक कौशल को उपयोग में लाना चाहिए। किसी भी तरह से घबराना नहीं चाहिए और सबसे पहले वाहन में बैठे लोगों को बचाने के लिए उन्हें तुरंत वाहन से बाहर निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से जहां एक और जान माल की हानि होती है, वहीं यातायात भी अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए वाहन चलाते समय चौकन्ने रहने की आवश्यकता है। तो ये था आज़मपुर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए ऐश्वर्य के साथ। नमस्कार।